हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी यानी क्लास सिक्स के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और आज हमें पढ़ना है चैप्टर फोर्थ, इसका नाम है मानचित्र। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं अब मानचित्र चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर का नाम है मानचित्र, जिसे हम इंग्लिश में मैप बोलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का नाम हम लोग आज मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा होगा मैप। जैसे कि हम देखते हैं कि हर देश का कोई ना कोई, हर देश, राज्य या किसी शहरों का या किसी भी चीज, जैसे हम घर ही बनाते हैं तो उसका क्या होता है, एक मैप तैयार करते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया का जैसे हम मैप बनाते हैं तो मैप ही क्या है, वो हमारा मानचित्र है। तो हमें क्या करना है, इसी मानचित्र के बारे में आज अध्ययन करना है। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, ग्लोब के बारे में पढ़े थे और अब पढ़ेंगे मैप के बारे में। तो हमें क्या होता है कि जो ग्लोब होता है ना, वो ग्लोब में हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती जितनी कि हमें मैप में मिलती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मानचित्र से ज्यादा, सॉरी, ग्लोब से ज्यादा हमें जो इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं मिलती है वो कहाँ से मिलती है, मानचित्र से। यानी कि जो जानकारी ज्यादा मिलती है वो मानचित्र से मिलती है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मानचित्र है वो क्या है। तो अब दे रहा है जैसे कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। अब ग्लोब में हम तो बड़े बड़े देशों के बारे में, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं उनको पढ़ते हैं और उनमें जो देश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो हमारा ग्लोब है वो कुछ सीमाएं होती है। अध्ययन क्या करता है इसमें, हम इसमें कुछ अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है ग्लोब में। बट अब यहाँ पे देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। सिर्फ अगर हमें केवल पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हमारे लिए ग्लोब ही क्या है, काफी उपयोगी होता है। बट लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। क्या साबित नहीं होता है, ग्लोब। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब, देखिए, जो ग्लोब होता है वो क्या करता है, एक बड़े हिस्से का अध्ययन हम करते हैं। यानी कि पृथ्वी का अगर अध्ययन करते हैं हम तो ग्लोब ही हमारे लिए काफी उपयोगी साबित है। लेकिन अगर हम लोग पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन कर रहा हो, जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी पर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है लेकिन हमें उसमें क्या करना है, भारत के बारे में अध्ययन करना है, तो हम मैप यानी कि ग्लोब से हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जितनी कि मैप से मिलेगी। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम यहाँ पे मानचित्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मानचित्र जो होता है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग, अब पृथ्वी का कोई भी एक भाग, किसी एक देश को ले लीजिए, किसी एक राज्य को ले लीजिए, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह का या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से यानी कि मेजरमेंट के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। चपटी का मतलब क्या हो गया, जब भी हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं यानी कि इंडिया का मानचित्र जब हम मार्केट से लेते हैं तो क्या है, एक चपटी पेपर शीट पे ही तो पिक्चर बनाया हुआ होता है। तो ये जो मानचित्र होता है ये क्या है, पृथ्वी के एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बट यानी कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब गोलाकार सतह को तो हम चपटी नहीं कर सकते हैं, तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। अब हम कहीं भी जाना है तो मानचित्र, देखिए, अलग अलग प्रकार से हमें क्या है, आवश्यक है। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो भी अगर हमारे पास मैप है उस जगह का, अगर उस जगह का नक्शा है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। लेकिन हमें किसी भी देश के बारे में, जैसे इंडिया है, तो इंडिया अगर अपना मैप नहीं बनाएगा, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो अपना अपना क्या है, अपना अपना मैप बना के रखेंगे ताकि
इन्हें क्या हो, अपनी जानकारी लेने में क्या हो, आसानी हो। अब यहां पे जैसे दे रहा है कि कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मानचित्र जो होता है वो एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब हम एक एटलस बन जाता है। यानी कहने का मीन्स है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम एक मानचित्र बनाते हैं और वो मानचित्र एक पूरे मानचित्र को मिलाकर जब एक किताब बन जाती है तो उस किताब को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस। यानी एटलस मीन्स होता है कि उसमें मानचित्र के बारे में ही पढ़ना है हमें। ओके, तब आगे बढ़ते। अब बोल रहा है यहाँ पे कि एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। यानी कहने का मीन्स है यहाँ पे कि जो एटलस होता है वो विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची जाती है। कहने का मीन्स है कि कहीं भी डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है, कहीं पे डिस्टेंस छोटा होता है, उसके अनुसार यहाँ पे स्केल यानी कि पैमाना लिया जाता है। अब आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब जैसे दे रहे हैं यहाँ पे कि मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारा मानचित्र होता है यानी कि मैप इज मोर इन्फॉर्म, यानी कि मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। यानी कि हमारा जो मानचित्र होता है वो ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है, ज्यादा जानकारी देता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो हमारा मानचित्र है ना वो कितने प्रकार का होता है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा है भौतिक मानचित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। क्या बोलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना इंडिया का, बोलते हैं कि ये फिजिकल मैप है, इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। तो हमारा जो होता है भौतिक मानचित्र उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम फिजिकल मानचित्र, फिजिकल मैप। ओके, तो यहां पे जैसे दे रहा है कि पृथ्वी की प्रकृति आकृति जैसे कि पर्वतों, यानी कि प्रकृति और आकृति, पर्वत हो गया, इसमें पठार आ गए, मैदान, नदियां, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या बोलते हैं, भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। यानी कि भौतिक मानचित्र में हम किनके बारे में स्टडी करते हैं, तो पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदियों के बारे में और महासागरों के बारे में। तो ऐसी मैप को जिस ये फ्लैट अगर जिस चपटी मैप में इन सब चीजों को दिखाया जाता है तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप बोलते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पे, और सेकंड जो हमारा मैप होता है वो है हमारा राजनीतिक मैप। क्या है, राजनीतिक मैप, जिसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। अब इस पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब इस पॉलिटिकल मैप में यानी कि राजनीतिक मानचित्र में, इसमें जो मानचित्र यानी कि जिस चीज का मानचित्र बनाया गया रहता है वो होता है जैसे कि हमारा राज्य है, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये हमारा हो गया प्यारा भारत बना, ये जैसे मान के चलिए हमारा भारत का हो गया पिक्चर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पाकिस्तान है ना, इधर तो इतना दूर अफगानिस्तान इधर हो जाएगा, लेकिन हमारा पाकिस्तान है। अब जैसे कि ये हमारा बॉर्डर है ना, तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाएगा कि हमारा ये पाकिस्तान है और इसके बगल में हमारा ये हमारा भारत है और इसमें हमारा पाकिस्तान जो है इसके साथ क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है। तो ये जो हमारा होगा ना ये पॉलिटिकल मैप होगा। यानी कि जब हम राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को पढ़ते हैं तो ऐसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, दो मानचित्रों के बारे में हम पढ़े, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। जैसे कि हम भौतिक मानचित्र में पढ़े हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, जैसे हमारे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, महासागर हो गए, इनके बारे में जब हम किसी मैप पे स्टडी करते हैं ना तो उस मैप को हम क्या बोलते हैं, उस मानचित्र को क्या बोलते हैं, हम लोग भौतिक मानचित्र बोलते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि राज्यों, नगरों,
शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वैसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मानचित्र पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है थीमेटिक मानचित्र। क्या दिया हुआ है? थीमेटिक मानचित्र। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मानचित्र विभिन्न जानकारियां प्रदान करते हैं। अब वो क्या क्या जानकारियां है? जैसे कि सड़क मानचित्र। जब सड़क बनता है तो हमारा जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, सड़क बनाने से पहले क्या होता है, इंजीनियर जो होता है उसके मानचित्र को रेडी करते हैं। तो सड़क मानचित्र, ऐसे मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे। वर्षा मानचित्र, यानी कि जो वर्षा होता है उसके क्षेत्र से हम, अगर यहाँ पे इतना वर्षा ये हुआ, तो ऐसे मानचित्र को हम क्या बोलते हैं, वर्षा मानचित्र बोलते हैं। वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र या इत्यादि को हम लोग, और जो इसमें ये सब चीजें जो आती हैं ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र में क्या हो गया, सड़क मानचित्र, यानी कि जब हम सड़क बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सड़क का जब मानचित्र बनाएंगे तो ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। वर्षा का मानचित्र, ये भी हमारा थीमेटिक के आएगा, अंतर्गत आएगा। वन हो गया, उद्योग हो गया, आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र या इत्यादि जो भी हो, इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब जैसे हम आगे देख सकते हैं कि इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। यानी कि जब इसमें इन मानचित्रों में जो सूचना दी गई, यानी कि सूचना के आधार पे उनका उचित नामकरण भी हम कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मानचित्र के तीन घटक हैं, यानी कि जब हम मानचित्र जब बनाते हैं ना, तो मानचित्र बनाते समय हमें तीन कंपोनेंट यानी कि तीन घटक की जरूरत होती है। और वे घटक क्या है, वो हमारा दूरी है, दिशा है और प्रतीक, जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं। ओके, यानी कि जब हम मानचित्र बनाते हैं तो ये दो चीज, तीन चीजें जो है ये हमारी होनी चाहिए, यानी कि दूरी भी होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए और प्रतीक भी होनी चाहिए। यानी कि मानचित्र के ये तीन इंपॉर्टेंट घटक हैं। अब हम बढ़ते हैं दूरी, आखिर इसमें दूरी मानचित्र में क्यों, तो दूरी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये दूरी है क्या। जैसे दिया होगा यहाँ पे दूरी, अब यहाँ पे जैसे कि दे रहा है कि मानचित्र, मानचित्र एक आरेखन होता है, यानी कि मानचित्र क्या है, हाथ से बनाया गया या किसी चीज से बनाया गया, ये एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पे दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा मानचित्र है वो विश्व के एक बड़े भाग को एक छोटे से कागज पे, पन्ने पे दर्शा देता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हमारा स्केल हो ना, स्केल को ही तो पैमाना बोलते हैं, तो जो इसको स्केल होता है वो छोटे पैमाने पे, यानी छोटे पैमाने का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर ही आपका इतना दूर हो गया, ओके, और दे दिया क्या कि इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो 500 किलोमीटर का है। लेकिन हम तो पेपर शीट पे 500 किलोमीटर तो शो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ये भी दिखा सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम दिखा देंगे यहाँ पे कि 500 किलोमीटर है। और हम 5 सेंटीमीटर तो कर ही सकते हैं किस पे, मैप पे। और अब जब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम इंडिकेट करेंगे 500 किलोमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 100 किलोमीटर। तो ऐसे ही यहाँ पे हम पैमाने का यूज करके मैप पे एक छोट, यानी कि एक बड़े से हिस्से को क्या करते हैं, एक छोटे से पेपर शीट पे शो कर देते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, व्यक्त करती हो। यानी कि मैंने अभी बताया कि बड़े से हिस्से को, बड़े से लंबाई को हम लोग छोटे
लंबाई में क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। अब क्यों बदलते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो पेपर शीट पे तो उतनी बड़ी डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, इसलिए हमें छोटी दूरी उसमें दिखानी पड़ती है। जैसे कि दिया हुआ है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है और पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी कि हम जब पिक्चर बनाते हैं तो वहां पे रेशियो हर जगह मानचित्र पे डिस्टेंस का सेम होना चाहिए। जो हम स्टार्टिंग में डिस्टेंस अगर कवर करेंगे वही डिस्टेंस पूरे मानचित्र में होता है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे क्या बोल रहा है कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ओके, तो जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी को व्यक्त किया गया है। यानी कि रियलिटी में जो हमारे घर से उस स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन हम जब मानचित्र तैयार किए, यहाँ पे राइटर अगर बना रहे हैं मानचित्र, बोल रहा है कि हम इसे 2 सेंटीमीटर के में व्यक्त कर देंगे। अब दे रहा है यहाँ पे कि इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर को दर्शाती है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर बराबर मैं 10 किलोमीटर ले लिया, तो रेशियो तो 1 और 5 का चला, तो हमेशा ये रेशियो चलेगा 1:5 का। हर जगह जहां भी अगर मान के चलिएगा 15 किलोमीटर वहां पे स्पेस है, वहां पे डिस्टेंस दिखाना है, तो हम वहां पे 3 सेंटीमीटर दिखाएंगे, और वहां पे 20 सेंटीमीटर अगर कहीं दिखा रहा है तो वहां पे 4 सेंटीमीटर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो रेशियो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर हम 20 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर दिखाएंगे तो रेशियो क्या बना हमारा, 1:5 का बना। वैसे यहाँ पे 2:10 को हम लिख रहे हैं तो 1:5 का रेशियो बन रहा है। तो उस मैप पे जो डिस्टेंस हमें स्टार्टिंग में लेंगे वही रेशियो हमारी मैप में हर जगह होनी चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर मैं मानचित्र को देख रहा हूं, तो कभी भी कोई भी आप मैप बाई करते हैं तो उसके नीचे सब इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो अगर हम जान गए कि हाँ ये इतना दिया हुआ, इतने के बराबर इतना है, और शो कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई इतनी है, और रेशियो उसका नीचे दिया हुआ है, तो हम जस्ट क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से और इजिली फाइंड कर सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर का एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है। ओके, तो इतना तक मुझे लग रहा होगा आप समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे दे रहा है कि सब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है। अब महाद्वीप और देश बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक देश के एक राज्य में और उस राज्य के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, उसके छोटे से क्या करते हैं हम लोग, एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन हमें तो एक पेपर पे क्या दिखाना है, एक बड़े से देश को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे वहां पे उसको छोटे फॉर्म में लाके दिखाएंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तब हम क्या करते हैं यहाँ पे, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है ना, ये तो छोटे पैमाने का यूज और बड़े पैमाने का यूज देगा। तो हम यहाँ पे देख के चलेंगे कि छोटा पैमाना क्या होता है और बड़े पैमाना क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अब कि मानचित्र 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्थल को अगर हम 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं, यानी कि 500 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है और उसे हम 5 सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी कहने का मीन्स है कि जैसे हमारा देश है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए अगर छोटे सीट पे हमें बनाना होगा तो छोटे पैमाने का यूज करना पड़ेगा। लेकिन देश में ही ना राज्य होता है और उस राज्य में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो तब ऐसे अगर छोटे स्थलों के बारे में मानचित्र बनाना हो तो हम क्या करेंगे,
बड़े पैमाने का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? बड़े पैमाने का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे स्थल को 500 मीटर की दूरी को हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखो मीटर दिया हुआ है और ऊपर दे रहा था किलोमीटर, फर्क है। ये छोटे पैमाने का हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बड़े पैमाने को हो गया, से दर्शाया जाता है, यानी कि बड़े पैमाने को है। अब देख सकते हैं कि इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, और ऐसे पैमाना को क्या बोलते हैं, ऐसे स्केल को क्या बोलते हैं हम लोग, बड़े पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है, यानी कि हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं ये यहाँ पे कि हमारा जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र से क्या करता है, अधिक जानकारी देता है। कि जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे कि ग्लोब जो होता है वो मैप से कम इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि मैप होता है जो हमें ग्लोब से ज्यादा जानकारी देता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मानचित्र, तो इस मानचित्र को पहले जानने से पहले हम थोड़ा सा आगे पढ़ ले रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है दिशा, अभी हमने पढ़ा था कि मैप के लिए 3 कंपोनेंट होने चाहिए, और वो क्या है, तो दूरी, ओके, दिशा और हमारा जो है वो प्रतीक है, यानी कि सिंबल है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पे दिशा, अब दिशा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए दिशा जो होता है हमारा 4 टाइप्स का होता है। हम यहाँ पे जैसे देखिए ये हमारा ऐसे हो गया, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये है वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया साउथ। ये तो हमारे क्या है, 4 हमारे क्या है, डायरेक्शन है। लेकिन इसके बीच में अगर कोई डायरेक्शन आता है, जैसे ये हमारा हो गया, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, और इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और इस पार्ट को बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, और यहाँ बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस हैं, ये 1, 2, 3, 4, और ये 5, 6, 7 और 8। तो हम पढ़ेंगे इस डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि दे रहा है कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर यानी कि ऊ लिखा रहता है, यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसे दिया रहेगा एरो का साइन, और ये देगा ऐसे कि यहाँ पे ऊ लिखा गया, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये सूचित कर रहा है, बता रहा है, वो उत्तर की तरफ बता रहा है, किधर बता रहा है, उत्तर की तरफ। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे उत्तर रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि जब हम उत्तर के बारे में जान गए तो हम पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में खुद से पता कर सकते हैं। जैसे कि 4.2 मैप में ये सूचित करने यानी कि बता रहा है यहाँ पे कि 4 मुख्य दिशाएं हैं, और मुख्य दिशाएं कौन कौन होती है, यहाँ पे देखिए मैं टिक आउट किया हूँ, ये उत्तर हमारी मुख्य दिशा है, पूर्व मुख्य दिशा है, दक्षिण मुख्य दिशा है, और यहाँ पे पश्चिम मुख्य दिशा है। और ये जो चारों दिशाएं हैं, अब यहाँ पे देखिए कि ये वे प्रधान द्विबिंदु कहते हैं, और बीच की जो 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, जैसे कि मैं इस मैप में बता चुका हूं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे दे रहा है 4.1 पिक्चर में, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में 4.1 में ये हमारा एक मैप है, ये मान ये गांव है हमारा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे घर है लोगों का, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, ये फलो उद्यान है यहाँ पे, यानी कि ऑर्चर्ड बोलते हैं यहाँ पे, क्या है, फल, यहाँ पे फलों के पेड़ है, ये खेल का मैदान है जैसे कि फील्ड होता ही है, ये छोटे पेड़ हो गए, सामुदायिक केंद्र हमारा हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, PFPO को बोलते हैं, और ये हमारा डायरेक्शन को बता रहा है कि इधर से किधर जाना है, और ये हमारा गांव का विद्यालय हो गया।
और ये हमारे दुकानें होंगे जिसको हम मार्केट बोलते हैं, और ये कुआं का साइन है। तो हम आगे पढ़ेंगे सिंबल के बारे में भी, तो हमारी जानकारी और भी ज्यादा होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि हम द्विसूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। द्विसूचक का मीन्स क्या हो गया, ये जो हमारा कंपास है ना, यही हमारा द्विसूचक है। तो पहले के लोग तो क्या थे, द्विसूचक यूज करते नहीं थे, तो पहले कैसे पता लगाते थे, तो दिन में क्या करते थे, वो सूर्य को देखकर अपने डायरेक्शन को पता लगाते थे। लेकिन रात को तो सूर्य नहीं होता था ना, तो उस समय हमारे पास एक ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा। और ये जो ध्रुव तारा है ना, ये हमेशा उत्तर में ही उगता है। किधर होता है, उत्तर में। और ये सप्तऋषियों के माध्यम से, जो सात तारे हैं हमारे, कितने तारे हैं, सात तारे हैं, ये सप्तऋषियों के माध्यम से हम उत्तर यानी कि ध्रुव तारा को पता लगा सकते थे रात में, और आज भी लगाते हैं। तो अब ये जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर की तरफ उगता है, जिससे कि लोगों को पता चलता था कि ये हमारा उत्तर डायरेक्शन है, और उत्तर जानने के बाद वो तीन दिशाओं का पता खुद लगाते थे। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगता है। अब मुख्य दिशा मीन्स क्या, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, इसके बारे में, ये मुख्य दिशाएं चार हैं हमारी। ओके, अब जैसे इसमें दे रहा है कि इसकी चुंबकीय सुई, ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, चुंबकीय सुई जो होती है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देखिए यहाँ पे रेड जो है ये उत्तर दक्षिण, आप इसको कहीं भी कैसे भी रखिए, इसका जो चुंबकीय पिन है यानी कि जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही क्या करेगी, मूव कर जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। ओके, तो अब देखते हैं कि ये प्रतीक होता क्या है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख सूचक है। अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो दो सूचक तो हम पढ़ लिए, क्या पढ़े, दूरी और दिशा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आधार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल और पटड़ियों या कुओं को भी दिखाना संभव नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि हर अगर पिक्चर हम बनाते तो कुआं ही हमारा इतना बड़ा होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर इसी को पेपर शीट में इतना बड़ा बना देंगे तो क्या होगा, उतना तो स्पेस है नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। अब वृक्ष है मान के चलिए, और वृक्ष क्या होता है, बहुत ही विशाल होता है, बड़े होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे तो हम उतना यूज नहीं कर सकते पेपर शीट पे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके सिंबल का यूज करते हैं। अभी इनकी सिंबल क्या है, हम जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे बोल रहा है कि इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है, यानी कि इनके सिंबल को ऐसे दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनके अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मीन्स है कि जब हमारा बहुत ही यानी कि सड़क है, सड़क भी बहुत बड़े होते हैं, पुल भी बहुत बड़े होते हैं, वृक्ष हैं जो भी बड़े होते हैं, भवन जो है वो भी बड़े होते हैं, रेल की पटड़ियाँ हो गई भी बड़े बड़े होते हैं, कुएं जो होते हैं ये भी बड़ी होती है। तो हम इसे पेपर शीट पे तो नहीं ना दिखा सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, हमें कुछ सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, और वो सब सिंबल यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये रेलवे लाइन है। अब रेलवे लाइन में क्या होता है, बड़ी लाइन होता है, मीटर लाइन होता है, और रेलवे स्टेशन भी होता है। तो ऐसा अगर सिंबल कहीं भी आप में मैप में अगर दिख जाए तो ये होता है बड़ी लाइन, और ये जो होता है हमारा मीटर लाइन है, और ये हमारा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे देखिए ऐसे दिया, आरएस रेलवे स्टेशन, और ऐसे रेड से देगा, यानी कि ऐसा अगर मैप दे दिया, अगर मैप में अगर सिंबल, तो ये रेलवे स्टेशन को ही इंडिकेट करेगा। अब हम देख सकते हैं सड़कों के बारे में। सड़कें हमारी पक्की भी होती है, कच्ची भी होती है। तो ये ऐसी अगर मैप में दिया हुआ है सिंबल, तो ये पक्की सड़क के बारे में बता रहा है, और ऐसे इरेक्ट करके दिया रहेगा तो ये हमारा कच्ची सड़कों के बारे में बताएगा। अब सीमाएं हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अगर देगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ऐसे कैपिटल यानी कि डार्क में दे देगा। राज्य की सीमाओं के बारे में देगा तो थोड़ा सा उसे पतला कर देगा, और जिला का देगा तो ये क्या करेगा, डॉट हटा देगा, लेकिन ये बहुत ही पतला कर देगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे नदी, तो नदी ऐसे, ये नदी का सिंबल है, ये कुआं का सिंबल है, ये तालाब का है, ये नहर का है, और ये पुल का है। अब आगे देख सकते हैं मंदिर।
तो ये मंदिर का हो गया आपका, ये गिरजाघर का सिंबल है, ये हमारा मस्जिद का सिंबल है, और ये छतरी का सिंबल है। पोस्ट ऑफिस के लिए हमारा पीओ हो जाएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ हो जाएगा, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस होता है। बस्ती या कब्रिस्तान, बस्ती अगर देना होगा तो ऐसा, अगर अगर मैप में सिंबल दिया तो ये बस्ती हो जाएगा, और ऐसा सिंबल देगा तो ये कब्रिस्तान को इंडिकेट करेगा। पेड़ के लिए हमारा ये हो गया, ऐसा पिक्चर देगा तो पेड़ हो गया, और इस टाइप का पिक्चर देगा तो ये घास हो गया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे अब कि सिंबल अगर मैप पे ऐसे दिए हों तो अगर हम सिंबल को देख ले तो ये पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में दिया हुआ है जानकारी। ओके, तो अब आगे देख सकते हैं कि मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, यानी कि मानचित्र जो है क्या है, एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ लेते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा ये हमारे सिंबल दिए गए हैं। अब ये नहीं कि अपने से ये कोई भी सिंबल बना दिया, नहीं, ये सारे सिंबल यानी कि विश्व के सारे देश इसी सिंबल्स का सब यूज करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा इन सिंबल को रखा गया है। अब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये मानचित्र है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा तो आपको बताना है, जैसे कि ये हमारा जो मानचित्र है, अब ये बताइए ये जो हमारा मानचित्र में सिंबल दिया किसके लिए है, ये क्या है, कस्बे हैं, अभी तो पढ़े थे कस्बे के बारे में, तो ऐसा सिंबल जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये कस्बा हो गया। तो चलिए अब बताइए ये क्या है हमारा, ये क्या था, ये क्या था हमारा, मीटर लाइन था, ये तो हमारा क्या था, मीटर लाइन। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जैसे था ये हमारा क्या हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे जैसे कि मस्जिद था, मंदिर था, ओके, गिरजाघर था, उसी में एक और सिंबल था, तो ये वाला सिंबल था, तो ये वाला सिंबल कैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, छतरी बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया। अब यहाँ पे कौन सा ये सिंबल है, ये तालाब का सिंबल है, और ये सब क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये हरा हरा दिखेगा तो ये पेड़ पौधा हो गया, और ये तो आप जान ही सकते हैं कि ये हमारा नदी है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज ब्लू से दिखेगा ना तो वो वाटर बॉडी से होगा, यानी कि वहां पे वाटर है, ठीक है, वहां पे क्या है, वाटर है, यानी कि वहां पे जरूर वाटर है, इसलिए उसको ब्लू से इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, विद्यालय है, और यहाँ पे देखिए ये पीटीओ है, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे पीटीओ दिया हुआ है, और ये तो हमारा क्या है, गिरजाघर है ना, ये गिरजाघर होगा। अब एक चीज आपसे और पूछ रहा हूँ कि बताइएगा आप सब, ये जो चीज दिया हुआ है ये हमारा, ये किस चीज का दिया हुआ है पिक्चर, आप बताइए सर, ये हमारा क्या है, ब्रिज है, क्या है, ये ब्रिज का पिक्चर है। और ये एक बात बताइए आप, ये जो लाइन दिया हुआ है ऐसे, ये क्या है हमारा, पक्की सड़क है, और इरेक्ट करके दिया है किसी गांव में जा रहा था, ये हमारा क्या, कच्ची सड़क है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है हमारा, ये मस्जिद है, क्या है, मस्जिद है। और मैंने अभी सिंबल के बारे में बताया था कि अगर ऊपर की तरफ इरेक्ट करके, अगर मान के चलिए यहाँ पे एरो दे दिया और ये ऊपर ऊ लिख दिया, यानी कि मतलब ये उत्तर को, दिशा को सूचित कर रहा है। कि तब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिंबल ऐसे दिया हुआ है, यानी कि नदी जो है ना ये फ्लो कर रही है ऐसे नीचे की तरफ। अब ये सिंबल आप बताइए कि कौन, अगर इतना आपने पढ़ा है तो इस सिंबल को आसानी से बता सकते हैं कि ये सिंबल किस चीज का है। तो ये सिंबल हमारा कब्रिस्तान का है, किसका है, कब्रिस्तान का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि ये प्रतीक कहते हैं, यानी कि पहले हमने ऊपर पढ़ लिया कुछ रूढ़ प्रतीक, यानी कि 4.3 में दर्शा गए हम, जैसे कि पढ़ ही लिया हम सब। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय है, पहले मैंने बताया कि अगर कोई ब्लू कलर का होगा वो वाटर बॉडी होगा, यानी कि जलाशय होगा, जल से। भूरा जो होगा वो पर्वत, अगर कहीं भी आप भूरा रंग देख लीजिए तो पर्वत है। पीला रंग देखिए तो क्या हो, पठार है। हरा रंग देखिए तो क्या होगा, मैदान को दर्शाने वाला है किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं भूरा रंग, तो ये सब क्या है, ये सब गांव है, ठीक है, पठार के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब रेखा चित्र के बारे में पूछे, रेखा चित्र क्या होता है, देखिए रफ स्केच होता है, यानी कि रेखा चित्र का मतलब क्या, स्केच। मान के चलिए कि आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं और आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हुए हैं, और आपका दोस्त आपको पिकअप करने नहीं आया, लेकिन आपका दोस्त जो बोल रहा है कि मैं एक रेखा चित्र, यानी कि जो मैं तुम्हें एक स्केच बता रहा हूँ, उस स्केच के अनुसार मेरे घर तुम आ सकते हो, तो वो क्या करेगा, एक पेपर पर रफ स्केच करेगा और बताएगा कि तुम रेलवे स्टेशन के नॉर्थ साइड में जाओ, ठीक है, नॉर्थ साइड में जाकर फिर अपने बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, ऐसे क्या करता है, एक स्केच बनाएगा वो बताएगा। ओके, तो ऐसे मैप को ना हम क्या करते हैं, हम लोग इसी को हम लोग रफ स्केच यानी कि रफ मानचित्र बोलते हैं, यानी कि रेखा चित्र मानचित्र, जैसे दे रहा है यहाँ पे, जो पैमाने पर आधारित ना हो, यानी कि पैमाने की जरूरत ना हो, बस अपने रफ से बनाया गया हो, होकर यादाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण, इसको स्थानीय प्रक्षेपण, यानी कि जैसे यहाँ पे दे रहा है कि
यह रेखाचित्र का रेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर या दास्त एवं स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित है, यानी कि ये पैमाना नहीं बनाते, इसमें पैमाने का यूज नहीं करते हैं, बस इसको हम यदास्त यानी कि किसी छोटे से स्थान पे जाने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन का आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान की अपेक्षा दिखाने के लिए किया होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है, यानी कि जब फोन किया और वो बोला कि नहीं आप रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में चलो, फिर साउथ में आओ, फिर ईस्ट में आओ, तो वही हमारा क्या हो गया, रेखाचित्र हो गया। और इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो अब हम रेखाचित्र मानचित्र के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं आगे। और ये जैसे दिया हुआ है खाका, अब ये खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखांकित रेखाचित्र जो होता है वो खाका कहा जाता है, यानी कि बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है, खाका। और ये छोटे क्षेत्र का होना चाहिए और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं देखा जा सकता है, और उस समय हम लोग बड़े पैमाने का एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। अगर हमें घर बनाने हैं तो घर की लंबाई हम क्या बोलते हैं, हमारा घर जो होना चाहिए इतने इतने लंबाई का होना चाहिए, तो ये क्या है, एक खाका है, यानी कि हम लोग यहाँ पर रफ स्केच यानी कि चित्र तो बनाते हैं लेकिन ये हमारा क्या मानचित्र नहीं है, एक यहाँ हमारा खाका तैयार होता है। ओके, तो आज चैप्टर में बस इतना ही, आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर 4th को फिनिश किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।